बल। इतना भूकंप, ऐसी बाढ़। हमारे पर्वत पर बसे भवन तक जल चढ़ आने का अर्थ है आसपास के अनेक राज्य डूब चुके होंगे। ना जाने कितनी जनहानि हुई होगी। पंपासर राज्य तो नीचे था, कदाचित वो भी डूब गया होगा जल में। भूकंप भी थम नहीं रहे हैं। सबकी सुरक्षा के लिए कुछ और भी करना होगा, किंतु क्या करूं? केसरी को मार दूं तो, किंतु इससे पहले मार्जरिका के सच्चाई बता दूं। बल बला बल बल, एक तीर से दो दो निशाने। कदापि संभव नहीं। धूर्त वानर, तू सूर्य की प्रचंड अग्नि से कैसे बचकर आ गया? यह असंभव है, असंभव। छाती क्यों पीट रहे हो कुंभकर्ण? ऐसा नहीं हो सकता, यह स्वप्न होगा, यह सत्य नहीं है। यह सत्य है, मैं तुम्हारे समक्ष हूँ। धूर्त वानर, तू भले ही सूर्य से बचकर आ गया है, परंतु अब तुझे कुंभकर्ण के हाथों से कोई नहीं बचा सकता। बहुत हो गया दुष्ट वानर, बहुत हो चुका तेरा खेल। तूने कुंभकर्ण के सोए हुए क्रोध को जगा दिया है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। ये तो दिव्य शक्ति है। ले, संभाल इसे। देख लिया तूने कुंभकर्ण को क्रोधित करने का परिणाम, अब भुगत इसे। दुष्ट वानर, इस दिव्य पास से कोई नहीं बच सकता, तू भी नहीं। और मार मुझे। अनीमा सिद्धि का प्रयोग करूंगा मैं। छोटा होकर एक पल में निकल जाऊंगा। Ha 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 ha
तेरा प्रयास व्यर्थ है अबोध बालक, ये दिव्य पाश है, तो जितना ही बड़ा होगा ये उतना बड़ा होगा, और तू जितना छोटा होगा ये भी उतना ही छोटा होगा बालक। केसरी को बताऊं कैसे, सामने गया तो बलबला बलबल हो जाएगी। अदृश्य होकर सारी सच्चाई केसरी के सामने उगल देता हूँ। लगता है अतिबल कुछ तो अनर्थ करने वाला है। प्रणाम महाराज। कहिए मंत्री जी। मार्जरिका, क्यों रोका तुमने मुझे? यदि अब भी तुम यहां से नहीं गई ना, मैं स्वयं तुम्हारा सारा भेद खोल दूंगा। अतिबल, जाओगे तुम यहां से, चले जाओ सुमेरों से, अन्यथा अपने नुकीले नाखूनों से चीर फाड़ दूंगी मैं तुम्हें। मैं मार्जरिका हूं, यदि तुम पुनः यहां दिखाई दिए तो स्वयं लंकेश भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। बस अब हनुमान शीघ्र लौट आए, जिससे कि उसे दिया हुआ वचन पूर्ण करके मैं यहां से लौट सकूं। अब मैं इस दुष्ट वानर को अपनी स्वर्ण नगरी लंका लेकर जाऊंगा, जहां भ्राता श्री रावण देवी निकुम्बला के समक्ष इसकी बलि देंगे। चल वानर, आज मैं तुझे अपनी स्वर्ण नगरी लंका दिखाता हूँ, चल। अब क्या करूं मैं? कैसे हो गया?
तो दिव्य पास से भी मुक्त हो गया। वानर, अब तो इस मायावी पास से कदापि नहीं बच सकता। जय माता कुष्मांडा देवी। ये क्या हो रहा है? कुंभकर्ण, तेरा हर प्रयास विफल क्यों हो रहा है? कुंभकर्ण, माता कुष्मांडा देवी की कृपा से तुम मुझे किसी बंधन में नहीं बांध पाओगे। जय कुष्मांडा माता। साहब, तो अब मैं तुझे खा ही जाता हूँ। तुझे खा कर मेरी भूख तो नहीं मिटेगी, परंतु मेरे मन को कुछ क्षण के लिए शांति अवश्य मिलेगी। तुम्हें खाना है? मैं अभी उसकी व्यवस्था किए देता हूँ। अच्छा। तुम्हारी भूख मिट जाएगी ना? ये तो बड़ा मायावी है। अब तो मुझे भी कुंभकर्ण जी का साथ देना होगा। नहीं छोड़ूंगा दुष्ट वानर। अच्छा, तो अब तुम भी युद्ध करोगे? हाँ, तुमने अपनी तीव्र गति से बहुत सताया है कुंभकर्ण जी को। अब तुम मुझ तीव्र असुर की तीव्रता भी देख लो। अच्छा। छोड़ो छोड़ो, मुझे मुक्त करो। मुक्त करो, मुक्त कर दो मुझे। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। सुर के बंधन से हनुमान ने मुझे मुक्त करा दिया। अब मैं हनुमान के सुख के लिए अपना ताप कम करता हूं। ये एकाएक तापमान कैसे कम हो रहा है? सखा, अब कुंभकर्ण की बारी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।
महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुमेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। तुम तो बड़े ही आनंद ले रहे हो ना वानर, ये क्या कर रहा है तू? आप मुझे लंका में भ्रमण करने के लिए ले जा रहे थे ना, मैं आपको ब्रह्मांड का भ्रमण करवा रहा हूँ। छोड़ दूँ तो ठीक है। अकस्मात सूर्य को क्या हो गया? मेघ भी नहीं है, फिर ये अंधकार क्यों? स्वामी, आकाश से कैसी ध्वनि सुनाई दे रही है? सावधान कैकसी, कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ बहुत तीव्रता से गिर रही है। दशा किसने की पुत्र? पिताश्री, राधाश्री रावण ने जो नवग्रह को उनके मार्ग से पतित किया था उसी को पूर्ववत करने हेतु एक वानर बालक आया है। मैं उसी को रोकने गया था पिताश्री, उसी ने मेरी यह दुर्दशा की है। माते, अवश्य ही ये वही वानर बालक होगा जिसने अनेकों असुरों का वध किया था, सूर्य को भी निगल लिया था। माते, सो गया। अच्छा है, इसे विश्राम की आवश्यकता थी ही। प्रणाम सूर्यदेव। सूर्यदेव, अब आप मुक्त हो गए हैं, किंतु मैं उस दिन के लिए आपसे पुनः क्षमा मांगता हूँ जिस दिन मैंने आपको निगल लिया था। मुझे क्षमा कर दीजिए। आज तुम भी मेरे उदर में चले गए थे हनुमान, बात बराबर हुई। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र हनुमान। जय हो तुम्हारी बजरंगी।